तो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है सिलीगुड़ी का नाइट लाइफ। डिसीजन लिया कि नहीं लिया, गाड़ी इधर घुसा के नहीं पता। सो जैसा कि राइट साइड में देख सकते हो आप, सिस्टम पैड का चला छोरे टोर में चला टोर। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने जा रहा है एक्साइटिंग भरा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल और हांगकांग मार्केट, जो यहाँ का मार्केट है। देखते हैं वो कैसा होगा, क्योंकि अभी हम शाम का बज रहा है 5 और लेट हो जा रहा है। सो अभी निकलते हैं, 5 भी नहीं बजा, देखा नहीं हो टाइम कितना हो रहा है, पर शाम तो हो गया है। अभी हम लोग नींद से उठे थे तो हम लोग को लगा कि नहीं यार, नहा के निकल जाना चाहिए, तो फ्रेश तो हो गए हैं। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से इस्कॉन टेंपल करके। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं रूम से, और सोचे शाम का टाइम है और रूम में बैठ के फायदा नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेंपल। और देखिए, इस बार का जो राइड था ना, हम लोग का कोई कंफर्म एक ये राइड नहीं है कि हम लोग को जाना किधर है, हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं, क्या है, कुछ नहीं था। हम लोग को बस था कि इस साइड आना है और कम बजट में अपना रहने का, खाने का और ट्रेवलिंग का, कहाँ कहाँ घूम सकते वो सब करना था कम बजट में, और वो आप लोग को बताना था कि कम बजट में कैसे घूम सकते हो आप लोग इस साइड। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं रूम से, फर्स्ट जैसे मैं बताया हूँ इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं अभी, तो इस्कॉन टेंपल जाते हैं वहाँ। और उधर खाने की भी सुविधा है जैसे कि मैंने देखा है, तो वो मैं आप लोग को हो सके तो दिखा भी दूंगा, तो वो भी आप लोग देख लेना। तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि यार 8:30 बजे बंद हो जाता है वो, तो इसलिए। और मैं कोई होटल या इसमें में रुका नहीं हूँ, रिजॉर्ट में, मैं एक नॉर्मल होम स्टे में रुका हूँ, क्योंकि मेरे को बजट फ्रेंडली वाला दिखाना था आप लोग को, तो मैं होम स्टे में रुका हूँ। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा रूम जाकर कि मैं कौन सा होम स्टे में हूँ रिटर्न आने के टाइम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अभी टेंपल, तो टेंपल चलते हैं, फिर आधे रास्ते में मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस ये आप देख सकते हो, ये है सिलीगुड़ी का नाइट लाइफ। देखो जाम, देखो दूर दूर तक जाम है। तो गाइस अभी हम लोग है अपना इस्कॉन टेंपल में, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेंपल। तो आप लोगों को मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर में हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कि मंदिर कैसा है, क्या है, वो सब हम लोग दिखा नहीं सकते। और थोड़ा सा रिस्क लेना, फिर भी हम लोग ले रहे, थोड़ा सा दिखाना था। आप देख सकते हो पीछे में जो दिख रहा है वही है मंदिर, तो ऐसे ही सीन। मैं देखता हूँ और कुछ दिखाने को रहेगा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये अपना इस्कॉन टेंपल यही वाला है जो पहले दिख नहीं रहा था ना, इसलिए मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ भी मंदिर है, और सामने में आपको एक चीज़ दिखेगा, ये सामने में जो दिख रहा है वो रथ है। अब वहाँ से इसका फ़ोटो अगर लेना है तो वहाँ पिंक वाला जो दिख रहा है ना, वो आपका फ़ोटो सेशन, फ़ोटो लेने का वहाँ है, बूथ है, वहाँ जाओगे तो आप टिकट कटवा के आप लोग ले सकते हो वीडियो। तो ये भी ऐसे ही है, श्री क्या नाम थोड़ा मिटर गया है, ये भी कोई भगवान का ही मंदिर है। तो आप देख सकते हो, आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ क्या मंदिर है। सो आप देख सकते हो श्री जगन्नाथ भगवान का ये, तो ये है मंदिर। तो फिलहाल हम लोग मंदिर आए थे, और मंदिर में तो अंदर में वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो मैंने अंदर का कुछ लिया नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, देखते हैं और क्या है देखने को, वरना रूम चल जाएंगे। तो यहाँ से अभी निकलते हैं और बाहर मिलते हैं आपको नए रास्ते में, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है, मेन प्रॉब्लम ये है। पर अपना किस्मत कितना ही अच्छा था, और जैसा हम लोग गए थे अंदर तो पर्दा सब बंद था, ठीक है। और हम लोग सोचे कि चलो, विशाल बोला भैया पता नहीं हम लोग को कितना देर तक होगा ये सब, तो निकल जाते हैं। पर थोड़े देर के अंदर, 5 मिनट ना, 5 मिनट के अंदर ही वो संग बजा, पर्दा खुल गया, बहुत सुंदर है यार देखने से, और आँख हटाने का ही मन नहीं होता, इतना मस्त था। तो दर्शन हो गया अच्छे से, और हम लोग अभी निकल रहे हैं बाहर, टैग आपको मिलेंगे रास्ते में। तो गाइस अभी मंदिर में दर्शन हो गया है, और हम लोग यहाँ से सोच रहे हैं कि हांगकांग मार्केट जाए, नाम तो हांगकांग है पर पता नहीं यार मार्केट कैसा है, तो सोचे एक बार देख ही लेते हैं कि है क्या वो मार्केट। सो देखते हैं यार, टाइम भी लेट हो चुका है, देखेंगे जाने के टाइम में, देखते हैं सामने ही है तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर
खुला रहा तो देख लेंगे क्या मार्केट है क्या नहीं, वरना फिर वहीं से रूम चल जाएंगे। तो गाइस यही है हांगकांग मार्केट, तो ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है, जस्ट नॉर्मल मार्केट है। सो ऐसे ही दिखाते हुए मैं सोच रहा हूँ यहीं से रूम निकल जाएंगे अपन, देखते हैं भीड़ से निकल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। घुस तो गए यार अंदर, अब देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है यहाँ से जाने का। आप देख सकते हो भीड़ कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अब मैं सही डिसीज़न लिया कि नहीं लिया, गाड़ी इधर घुसा के नहीं पता। सो जैसा कि राइट साइड में देख सकते हो आप, यहाँ पाव भाजी मोमोज सब मिल जाता है, तो आप यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो, ये सब खा सकते हो। और यहाँ से कहाँ सीधा, और इधर आप देख सकते हो स्टोर्स है लेडीज लोग के, ज्वेलरी वेलरी उसका है, फिर सामने में आप देख सकते हो कि जूस है, यही सब है। लोकल है यार, जनरल नॉर्मली जैसा बाज़ार होता है वैसा ही है, जस्ट नाम है हांगकांग मार्केट और कुछ नहीं, बाकी सब तो सेम है। ਗੱਡੀ ਬੱਜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਿਠਾ ਮੈਂ ਜਿੱਟੀ ਰੋਡ ਪੈ ਜਿੱਟੀ ਰੋਡ ਪੈ ਹਾਂ ਜਿੱਟੀ ਰੋਡ ਪੈ ਸਿਸਟਮ ਪੈੜ ਕਾ ਚੱਲ ਛੋਰ ਟੋਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਟੋਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਟੋਰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਿਰ ਪੱਥਰ ਰੱਬੇ ਮੋਜ ਮੈਂ तो गाइस वापस आ चुके हैं और आप तो देख ही चुके हो यार हांगकांग मार्केट कैसा था, पर एक्चुअल में शायद से मेरे को लग रहा है कि वो हांगकांग मार्केट वैसा था नहीं। देखो भीड़ भी था तो हम लोग वो जगह दिखा नहीं पाए आप लोग को ठीक से, पर क्योंकि रात भी हो गया था। पर आपको इस्कॉन टेम्पल आपने देखा ही था, बहुत ही सुंदर था, अंदर का तो व्यू आपको क्या ही बताओ। फोटोज़ तो आप देखे हो, फोटोज़ मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। अंदर के वीडियोस हमने ली नहीं है क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था, फिर भी हम लोग वीडियो शूट किए हैं छुप छुप के, तो देख लेना आप लोग। और कैसा लगा वहाँ का वीडियोस मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब भी चैनल कर दो क्योंकि 500 सब्सक्राइबर वाला अभी भी चालू है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन है योर राइट विशाल साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय।